वेलकम टू सूत्र। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चाणक्य नीति का 15वां अध्याय है। वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे जरूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जटाजूट रखने की और अपने शरीर पर राख मिलने की। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के दो उपाय हैं। पैरों में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सिर उठा ना सके और आपसे दूर रहे। जो गंदे कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं, जो बहुत खाता है, कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित ही रह जाएगा। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट आते हैं। इसलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल रह सकता है, 11वें साल में वह लुप्त हो जाता है। दान वही है जो बिना दिखावे से किया जाता है। वह आदमी चंडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके मांदे अतिथि का आदर सत्कार किए बिना रात्रि का भोजन खुद खाता है। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों के देवता माने जाते हैं, जो अमृत के समान अमर और देदीयम पान है, उनका क्या हर्ष होता है। जब वह सूर्य के घर जाता है अर्थात दिन में दिखाई देता है, तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर लुप्तता को नहीं प्राप्त होगा। ये मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखुड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, अब वह एक सामान्य कुटुच के फूल पर अपना ताव मारती है, क्योंकि वह ऐसे देश में आ गई है जहां कमल है ही नहीं, उसे कुटुच के पराग ही अच्छे लगते हैं। दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेड़ सकती है लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान चली जाए। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते। हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही वह कितनी भी गरीबी में क्यों ना बसर करना पड़े। नमस्कार।